ओम प्रकाशो हमारो तो पसीनो मातरो शुभम दावनो विदते सो जगमिया अग्नि जी हा मन वो सूर्य सो विश्वेनो देवा अवगमनि हम जय बद्र विश्व। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है हमारे बद्रीनाथ धाम से। बद्रीनाथ भगवान की कृपा आप सब लोगों पर भी बनी रहे। और आज हमारा बद्रीनाथ धाम में है तीसरा दिन, और सही में यहाँ से जाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अभी सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। नारायण भगवान के दर्शन भी हमें हो चुके हैं। आसपास के जितने भी मंदिर थे सब जगह पे हम लोगों ने आशीर्वाद ले लिया है, लेकिन अंदर ना वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अंदर नहीं दिखा पा रही हूँ। बाहर से ही आप लोग दर्शन कर लीजिए। और वैसे हमारे घूमने के तो बहुत सारे प्लान थे, लेकिन टाइम का इशू भी हो रहा है, और ऊपर से ना शाम के टाइम में बारिश आ रही है, तो इस वजह से भी प्लान थोड़ा कैंसिल हो रहे हैं। वैसे हम लोगों ने आज सोचा था कि हम लोग वसुधारा जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है वसुधारा मतलब वापस आते आते हमको शाम हो जाएगी, फिर आज हमको घर भी जाना है, मतलब जोशीमठ जाना है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम लोग माणा गांव कवर करते हैं, माणा गांव घूम के आते हैं। तो अभी अमीषा भी जा रखी है अंदर दर्शन करने के लिए। मनीषा, अगर उसको छुट्टी मिल जाती है आज की, तो वो भी हमारे साथ आएगी, वरना अमीषा और मैं जाने वाले हैं आज माणा गांव, और आप लोगों को भी माणा गांव घुमाएंगे। मंदिर के ठीक सामने पे यहाँ पे आपको ना मालाएं भी मिल जाएंगी घर के लिए भी, और अगर आप लोग खुद के लिए भी लेना चाहते हो, रुद्राक्ष की मालाएं भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अंकल जी बैठे हुए हैं। हेलो अंकल जी, कहाँ के आप? नंदनगर। नंदनगर, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे देखो बहुत ही प्यारी प्यारी मालाएं हैं। अभी हम लोग मंदिर से दर्शन करके आ गए हैं, और सही में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ पे आके। और यहाँ पे हमें ना हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मतलब इतनी खातिरदारी कर रहे हैं ना, कोई चाय पीने के लिए बोल रहा है, कोई नाश्ता करने के लिए बोल रहा है, सही में इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है ना दिल से आप लोगों से मिल के। और बाकी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने प्रसाद दिया है घर के लिए, स्पेशली मम्मी के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और बाकी यहाँ पे कालिया भाई हमारा, हेलो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, पर घर वालों की जबरदस्ती है। तो, हमको तीन दिन हो गए, वो तो खुद आते नहीं है, और हमको भी चैन से रहने नहीं दे रहे है ना। हमको आज यहाँ पे तीन दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी जाने का मन नहीं कर रहा है ना। वही तो। वैसे होता है एक जगह पे रह के ऐसा होता है कि बोर हो जाते हैं दो तीन दिन तक, अब चलते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है। ये देखो सामने का व्यू, देखो नीचे से बह रही है हमारी अलकनंदा नदी, ऊपर से बद्रीनाथ धाम। और यहाँ पे देखो बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी आपको, अगर आपको घर के लिए कुछ भी लेना है, प्रसाद लेना है, मालाएं लेनी है, ये देखो फोटो फ्रेम सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम लोग भी निकलते हैं माणा गांव के लिए, क्योंकि टाइम भी हो ही गया है, हम लोगों को निकलना भी है टाइम से घर के लिए, तो चलते हैं। अभी हम लोग आ रखे हैं दुकान पर नाश्ता करने के लिए। यहाँ पर हमारे लिए गर्मा गर्म चाय भी बन गई है, पकौड़ियाँ भी बन गई हैं, तो अभी हम लोग नाश्ता करते हैं। और बाकी हमारा तीन दिन का स्टे था यहाँ पर रघुनाथ आश्रम पर, और यहाँ पे हम लोग चाय पकौड़ी खाएंगे। हमारे सबसे पहले हमारे भैया जी से मिलिए। हेलो भैया, क्या बना रहे हो आप? दाल। और भैया ने बोला कि हमारी चाय पे पाउडर की स्मेल नहीं आती, इसीलिए हम यहाँ पे आए है हमेशा, है ना, क्योंकि हम लोगों को यहाँ अच्छी चाय नहीं मिल रही है। मेरा सारा सुरेंद्र, ये आपका बड़ा फैन है। और यहाँ पे हमारे भाई लोग मिल गए। हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आप कहाँ से हो? यही चमोली। अच्छा, आप भी चमोली से ना। और भैया ना मतलब ब्लॉग खूब देखते हैं ना, इसीलिए कल बोल रहे थे आपके ब्लॉग कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल है। तो आप ना देखना, आप अपनी वीडियो भी देखना, ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल हमने खाना भी यहीं पे खाया था, और बाकी यहाँ पे हमारी पकौड़ियाँ भी बन चुकी हैं, चाय भी बन गई है। अभी यहाँ पे हमें एक और भाई मिल गए हैं। हेलो, आप यहीं से हो? अच्छा अच्छा। और यहाँ पे अंकल जी कहाँ से? नेपाल। अच्छा अच्छा, नेपाल से हो आप, ठीक है ठीक है। जब से हम लोग घर से आए हैं ना, मतलब हमको चाय में टेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि पाउडर की स्मेल आ रही थी ना, तो चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो कल हम लोग यहाँ पे रात में खाना खाने आए, तो हमने भैया से पहले ही बात कर दी थी कि सुबह अगर चाय बनाओगे तो स्मेल नहीं आनी चाहिए पाउडर की, लेकिन बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही, बिल्कुल घर वाली चाय लग रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चाय और पकौड़ी खाते हैं। अभी हम लोग आगे हैं रूम पे, आज हमारा यहाँ से चेकआउट है, तो इसीलिए हम लोग अपना पूरा सामान वगैरह पैक कर रहे हैं। इसी रूम में हमने अपने तीन दिन बिताए हैं ना,
पर मजा आया बहुत, मजा आया बहुत दोस्तों, इतना मजा आया, इतना मजा, कभी इतना हंसे हम, इतना हंसे चाहे बाहर हो या हो, बहुत हंसे हम, बहुत मजे किए हमने। इस रूम की भी बहुत सारी याद है हमारी। तो अभी यहाँ पे हमारे सारे बैग वगैरह पैक हो चुके हैं, तो अभी हम लोग निकलते हैं, मतलब बैग तो हम लोग ऊपर रख रहे हैं मन्नी के रूम पे, वहीं से हम लोग निकलेंगे माणा गांव के लिए। तो जल्दी जल्दी पैकिंग करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। अभी हम लोग ऊपर रोड पे आ गए हैं और यहां से आप लोगों को ना माणा के लिए गाड़ी मिल जाएगी, तो यहां पे हमारी गाड़ी भी भर चुकी है। तो यहां से माणा का किराया है 50 रुपये, तो सीट भी हमें यहां पे मिल गई है। मैडम आगे पे बैठ गई हैं और आज की गाइड ले रही हमारी मीनाक्षी मैडम। देखो भाई इधर सर मांगे तुम, हेलो, चलो फिर आज माणा गाँव जाते हैं। और हमारे यूट्यूबर सजवार जी हैं, हेलो, आप जानते हो? अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और आज के चालक है हमारे भैया जी, भैया हेलो बोलो। किराया पूछ, किराया 50 रुपये। और वहाँ फंक्शन चल रहा है, वॉलीबॉल प्रोजेक्ट है, कैरम प्रोजेक्ट है, 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। ठीक है ठीक है, आप भी जाएंगे? चलो आप भी चलो बैठो, हम शाम को मिलेंगे आपको। ठीक है जी, धन्यवाद, ओके। बोलो बद्री विशाल की जय, जय हो बद्री विशाल। पैदल पैदल, हेलो, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अभी हम लोग पहुंच गए हैं माणा गांव में, और माणा गांव है भारत का प्रथम गांव। इससे आगे ना सीधे चाइना बॉर्डर लग जाती है, सबसे पहला गांव है माणा गांव। और यहां से ठीक सामने हमें एक मंदिर नजर आ रहा है, माता मूर्ति मंदिर, जो कि श्री बद्रीनाथ जी की माता जी का मंदिर है। ये देखो ठीक सामने आपको नजर आ रहा होगा, तो ये है श्री बद्रीनाथ जी की माता जी का मंदिर। वैसे हम लोगों ने वहाँ भी जाना था, घूमने का मन तो इतना कर रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम इशू हो रहा है और थोड़ा वेदर प्रॉब्लम भी हो रही है, बारिश वगैरह आ रही है, रास्ते टूट रहे हैं। कल रात को भी थोड़ा बारिश आई थी, तो एक जगह पे ना इधर बद्रीनाथ वाले रोड पे ही पूरी चट्टान खिसक गई है। तो आज शायद से रास्ता खुल जाएगा शाम तक जब हमें जाना होगा, तो इसी वजह से ना हम लोग ज़्यादा नहीं रुक रहे हैं यहाँ पे। मतलब ज़्यादा तो क्यों नहीं, 3 दिन तो रुक ही गए, मतलब वैसे और दिन भी रुकना था हमने घूमने के लिए, लेकिन थोड़ा वेदर इशू हो रहा है, टाइम का इशू भी हो रहा है। तो चलते हैं अभी हम लोग, आप लोगों को भी माणा गांव घुमाते हैं। यहाँ पे ना भोटिया जनजाति रहती है पूरे गांव में, तो आप लोगों को भी उनसे मिलाएंगे। भारत के प्रथम ग्राम सभा माणा में आप सभी लोगों का स्वागत है और हमारा भी स्वागत है। तो चलते हैं माणा गांव में, आप लोगों को भी घुमाते हैं। माणा गांव में अगर आप लोगों को ना हाथ से बुनी हुई स्वेटर, करुशे से बुनी हुई स्वेटर, शॉल वगैरह लेने होंगे, यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे शॉल हैं। ये देखो, लेना है तुमको टोपी टोपी कुछ? ये देखो, ये फ्रॉक भी बना रखी है करुशे से, इतनी मस्त लग रही है भाई, छोटे छोटे बच्चों के। प्रणाम प्रणाम, आपको प्रणाम, कैसे आप? ठीक हूँ। और यहाँ माणा गांव से हमारी वीडियोस देखते हैं दीदी जी, रोज देखती हो बहुत। आप ये चाची, यहाँ देखो, यहाँ देख के बोलो, देखेंगे। हाँ, चाय पीने वाली चाची, रोज देखती हूँ। बहुत अच्छा है आपका गांव, मैं सोचा आज यहाँ घूम के आते हैं। आओ आप पशुधारा जाओ आगे। हाँ जी, हाँ जी, जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तब मिलते हैं अभी, ओके बाय। यहाँ पे माणा गांव में भी हमारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम लोग माणा गांव से होते हुए जा रहे हैं गणेश गुफा में और ब्यास गुफा में, तो आप लोगों को भी वहाँ पे घुमाएंगे। और यहाँ पे देखो कितनी सारी साग सब्जियाँ रखी हैं, देखो पत्ता गोभी, ऊपर ऊपर साइड ना सेब भी लगे हुए हैं। तो चलते हैं, आप लोगों को भी घुमाते हैं ब्यास गुफा और गणेश गुफा। हम परसों आ गए थे यहाँ पे माणा गाँव में, हमें दादी लोग मिले हैं। ये देखो इनका पारंपरिक पहनावा, इन्होंने पूरा ग्लोबन वगैरह पहने हुए हैं और यहाँ पे बुन रहे हैं। क्या बुन रहे आप? स्वेटर? अच्छा अच्छा। अभी यहाँ से ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि पहले हम लोग भीमपुल जाएंगे। ये देखो, यहाँ से है भीमपुल का रास्ता और गणेश गुफा और ब्यास गुफा का रास्ता है यहाँ से। तो पहले हम लोग भीमपुल घूम के आते हैं, उसके बाद जाएंगे ब्यास गुफा और गणेश गुफा की तरफ। बहुत ही सुंदर गांव है यार सही में, और यहाँ के लोग भी। अभी हम लोग पहुँच गए हैं भीमपुल में, और माना जाता है ना कि यहाँ पे, मतलब वहाँ से यहाँ आने का रास्ता नहीं था, बीच में नदी थी, तो भीम जी ने यहाँ पे एक पत्थर से, एक चट्टान से पुल बनाया है। तो वही देखने हम लोग अभी जा रहे हैं, तो नीचे आ गए हैं यहाँ से। ये देखो, ये है वो पत्थर,
भीम जी ने ये पत्थर लगाया था और तब से ये पुल बना हुआ है, ये देखो, इसी को बोलते हैं भीम पुल। भीम पुल देखने के बाद अभी हम लोग आगे हैं यहाँ पे भारत की प्रथम चाय की दुकान पे। तो यहाँ पे हम लोग पहले चाय पियेंगे और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। यहाँ से ना स्वर्गारोहणी का मार्ग भी है, स्वर्गारोहणी यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर है। ये देखो यही है रास्ता ऊपर जाने का, और यहीं से पांडव गए थे स्वर्ग की तरफ, और उस टाइम यहाँ पे रास्ता नहीं था, मतलब बीच में नदी आ गई थी, तो उसी टाइम पे यहाँ पे भीम जी ने पुल का निर्माण किया था पत्थर लगा के, तो तब से यहाँ का नाम पड़ गया है भीम पुल। और मेरा ना बहुत ज़्यादा मन है स्वर्गारोहणी जाने का, यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर है, ऊपर भी रहने की व्यवस्था है, मतलब टेंट वगैरह की व्यवस्था है, तो सोचेंगे इन फ्यूचर ज़रूर स्वर्गारोहणी भी जाएंगे एक बार दर्शन करने के लिए वहाँ पे। और फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे चाय पीते हैं, उसके बाद अभी हम लोगों को गणेश गुफा भी जाना है, ब्यास गुफा भी जाना है, और हल्की हल्की ना बारिश भी आने लगी है, बस मौसम ख़राब ना हो। अभी यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय भी आ गई है भारत की प्रथम चाय की दुकान से, और यहाँ पे हमें भाई लोग मिले हैं, हेलो, जो कि हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चमोली से आप जी? चमोली मंदिर नगर। और यहाँ पे दूसरा भाई भी है, हेलो, आप भी चमोली से हो? धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। यहाँ पे एक चाय का रेट है 20 रुपये, और सही में मुझे ना मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा यहाँ पे। बद्रीनाथ में भी ना कोई भी सामान ले रहे हैं तो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब जिस हिसाब से इतनी दूर उनको सामान लाना पड़ रहा है तो उस हिसाब से रेट ना ठीक रखे हुए हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वेद व्यास गुफा में, और इसी गुफा में बैठ के वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी थी, मतलब यहाँ से वेद व्यास जी ने कथा बोली थी, और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। तो अभी हम लोग पहले यहाँ दर्शन करते हैं अंदर, और उसके बाद चलेंगे गणेश गुफा की तरफ। तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके जितने भी हमारे ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, उन सब की रचना यहीं पर की थी। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए वेद व्यास जी के पास समय कम था, द्वापर का अंतिम समय था और कलयुग आने वाला था, इसलिए इन्होंने जो है गणेश जी को बुलाया। तो गणेश जी की शर्त थी, श्रुते तत्प्राह विघ्नेशु यदि मैं लेखनी क्षणम, कि मेरी लेखनी क्षण भर के लिए रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों हाथों से गणेश जी लिखा करते थे। तो वेद व्यास जी ने कहा मेरी भी शर्त रहेगी, मैं भी जिस श्लोक को कहूँगा तुम भी सोच और समझ करके लिखना। तो यहाँ से वेद व्यास जी ने महाभारत बोली और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी ने लिखी। और गुफा का जो ये पत्थर है ये व्यास जी की पुस्तक है। अच्छा। ये बाहर से अलग अलग पन्ने नज़र आते हैं इस पे, तो ये भोजपत्र थी, जैसे कलयुग का प्रभाव पड़ा तो पत्थर में अवतरित हुआ, अगर भोजपत्र रहता तो आज के भक्त ले जाते उठा करके टू कॉपी करके बेच देते मार्केट में, इसलिए भगवान ने कहा मैं भी पत्थर के रूप में अवतरित हो जाऊं। अभी यहाँ पे गणेश गुफा में भी हमारे दर्शन हो गए हैं, वहाँ से भी हम लोग प्रसाद लेके आ गए हैं, प्रसाद खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने बद्रीनाथ धाम की तरफ, वहाँ से बैग पकड़ के सीधे किधर लग देखो यार जोशीमठ, हाँ सीधा जोशीमठ निकलेंगे। चलो तुम भी हो ना, हम देख रहे हैं दूर प्यार किले लोड़ी, मैं मुझे यहाँ चोर हो तुम खा तो जाऊँ चोर नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव माणा, यहाँ पे हम लोग फोटोशूट करने के लिए आ रखे थे, अच्छे से फोटोशूट भी हो गई है। ये मैडम तो पता नहीं वीडियो में आने के लिए इतना क्यों शर्मा रही है, तेरे घर वाले देखते भाई वीडियो, चश्मे वालों के हाल ये है, वही तो चश्मा कहाँ से पहना चश्मा, तब तक यहाँ फिर चश्मा इन मन वाह। और बाकी यहाँ से ना ठीक सामने देखो सरस्वती नदी, ये देखो कितने उफान पे है। बाकी अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर व्यू इन्जॉय करते हैं, आप लोग भी इन्जॉय करो, ये देखो
सामने से देखो कितना बड़ा पहाड़ है भाई। यहाँ पे माणा गांव में ना आपको खूब सारी जड़ी बूटियां देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे देखो ये है चाय मसाला और ये है केदार कड़वे, मतलब ये डायबिटीज की दवाई होती है। और यहाँ पे ये है बाल जड़ी, मतलब अगर किसी के बाल ज़्यादा झड़ते हैं ना तो तेल में मिला के इसको लगाते हैं। और बाकी यहाँ पे ये है टिमरू, इसका यूज़ किस में होता है? नज़र दरवाजे पे लगाते हैं ना। अच्छा अच्छा, नज़र नुजर के लिए। और ये है पत्थर चट्टा, ये किस काम आता है? पथरी। अच्छा अच्छा, ये पथरी की दवाई। ये देखो यहाँ पे आपको ना खूब सारी जड़ी बूटियाँ देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये लोग यहाँ पहाड़ों से लाते हैं ना जड़ी बूटियाँ। अभी हम लोग माणा गाँव घूम के आगे हैं और यहीं पर हमारी गाड़ी भी लगी हुई है। ये देखो भैया जी हमारे लिए रुके हुए थे यहाँ पे। और बाकी हमारा प्लान तो वैसे वसुधारा और स्वर्गारोहणी का तो मेरी इच्छा तो थी, लेकिन इस बार का हमारा प्लान नहीं था। लेकिन अगली बार मैं सोच रही हूँ स्वर्गारोहणी और वसुधारा दोनों कवर करके आऊँ। तो फिलहाल अभी हम लोग ये तो खोला बल, अगली बार हम लोग ज़रूर जाएंगे वहाँ पे। इस बार थोड़ा टाइम का इशू भी हो रहा है ना, इसी वजह से।